क्या होता है कि हम लोग है ना कुछ करने से पहले घबरा जाते हैं। तो एक बार तो मेरे मन में भी आया यार छोड़ ना, सब लोग मना कर रहे हैं, फिर नहीं यूं था कि बस सोचो कि भाई ने तो यूं हाथ जोड़ दिए कि ये काम करेगी ना तो हमारे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कल को तुझे वहां कोई उल्टा बोलेगा कुछ बोलेगा तो हमारे पास आके कहेगी ना, कल का भाई कोई बात नहीं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगी मैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के लिए आज एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, एक सिंगल मदर की, और उन्हीं की जुबानी सुनेंगे क्योंकि जिसकी कहानी होती है वो बहुत बखूबी बताएगा। तो हमारे साथ मौजूद है ज्योति जी। हाँ जी मैम। तो वुमेन एम्पावरमेंट की लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं और मैं कहूँ तो आप एक तरीके से मिसाल है उसके लिए, तो लोगों को कहानी आप बताइए आपकी क्या रही। मैम एक्चुअली मतलब शादी को 20 इयर्स हो गए और मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे 9 इयर्स हो गए और 13 इयर्स मुझे जॉब करते हुए हो गए। तो मैम बस ये लगा लीजिए इस टाइम जो अभी काम कर रही हूँ पैशन भी लगा लीजिए, नीड भी लगा लीजिए और आप ये लगा लीजिए कि हाँ कुछ करने की चाह भी है। तो बस इस वजह से ना सोचा कि कुछ करूँ शाम को 5 बजे के बाद क्या किया जा सकता है। कपड़े के लिए सोचा कि कपड़े की शॉप कर लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, पर ये काम मुझे ऐसा लगा कि इसमें इतना मतलब हमें पहले से कुछ करना नहीं पड़ता और सबसे बड़ी बात की हेल्दी है और दूसरी बात कि ना इसमें टाइमिंग भी उतनी है कि जितनी मुझे मैं आराम से कर सकूं। और पहले बेटा छोटा था, अब बेटा मेरे साथ है तो सबसे बड़ी पावर वो चीज़ है। बच्चे जब तक साथ नहीं हो ना आपके तो सब चीज़ फीकी है। अब मेरे बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं तो मुझे भी हौसला आता है इस चीज़ का कि हाँ मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। और रही बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स ने तो स्टार्टिंग में आप यूँ बोलो सोचो कि भाई ने तो यूँ हाथ जोड़ दिए कि ये काम करेगी ना तो हमारे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कल को तुझे वहाँ कोई उल्टा बोलेगा कुछ बोलेगा तो हमारे पास आके कहेगी ना, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगी मैं। फादर की बात आई, फादर भी नहीं माने थे और पर अब जो कंडीशन है ना तो अब फादर को भी यूँ लगता है कि नहीं ठीक काम है और बेटी अगर कर रही है। और सबसे बड़ी बात की मैम इतना गलत काम नहीं है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है मुझे कि लोग आते हैं पीते हैं और प्रेज भी करते हैं और दूसरा बात पब्लिक भी पूरा सपोर्ट कर रही है। एक तो यूँ होता है ना कि मैं पब्लिक आकर कैसे बोली, नहीं पब्लिक भी पूरा सपोर्ट कर रही है, मुझे फिलहाल बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो घर वालों ने स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा, बहुत कुछ कहा होगा, कुछ नहीं मम्मी का भी आपका बहुत, नहीं मम्मी का भी सपोर्ट नहीं था मैम। जो बात एक कहते हैं ना कि मदर का भी सपोर्ट नहीं था स्टार्टिंग में, कि मम्मी ने होरों ने भी यही बात बोली वहाँ जॉब कर रही है अच्छी फैमिली से है उसके बाद फिर तो ये काम करेगी, लोग क्या कहेंगे कि ना वहाँ पर एक रेडी सी लगा रही है। मैंने कहा मम्मी कुछ कर रहा है ना तो अच्छे तरीके से करूँगी, ऐसा नहीं कि हाँ भाई लिया और ऐसे कर दिया। और स्टार्टिंग में तो देखो दुख भी बहुत हुआ था कि हम लोग खड़े हैं और मदर भी साथ हुए पर तो ऐसे बड़ा मुश्किल होता है ये सब काम करना, लेकिन अब हौसला आ गया होगा। जी मैम अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। तो अभी अगर मैं बताऊं तो आप 5 बजे तक जॉब करते हैं, उसके बाद यहाँ लगाते हैं और उसके बाद घर भी जाते हैं, तो बहुत ज्यादा काम होता है। घर जाती हूँ 11:30 बजे। हाँ बेटी का इतना सपोर्ट है, बेटी बड़ी हो गई कि खाना सब्जी बनी हुई होती है, रोटी जा करके मतलब सेक देती है गरम गरम, इतना सपोर्ट हो गया कि हाँ बच्चे बड़े हो गए कि मुझे वो चीज नहीं होती घर जाके खाना नहीं बनाना पड़ता, बच्चे पूरा सपोर्ट करते हैं इसीलिए आज यहाँ खड़ी हूँ। मतलब अभी आप देख सकते हो मैम की आंखों में आंसू मैं देख रही हूँ, वैसे मतलब भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं अंदर कितना ज्यादा इमोशंस हो गए फिलहाल। क्या होता है कि हम लोग है ना कुछ करने से पहले घबरा जाते हैं। तो एक बार तो मेरे मन में भी आया यार छोड़ ना, सब लोग मना कर रहे हैं, फिर नहीं यूं था कि बस कि हाँ क्योंकि मैं तो था आपके दिमाग में है ना मेरे साथ कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं, 20-22 हज़ार रुपए सैलरी आज के टाइम पे क्योंकि मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो वो चीज ना अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, वही मैं आपसे कह रही हूँ। और पैशन ये था कि बच्चों को ना घर पर कुछ खिलाती थी, अलग अलग तरह बना करके पिलाती थी सब कुछ। 1.5 साल मैंने पूरा वर्क किया अपने बच्चों को ना, आज ये शेक बनाना है आज ये शेक, खाने से ज्यादा मेरे घर में शेक्स बने। मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है सर, मैंने कहीं से कुछ भी नहीं किया, बस ये था कि हाँ घर पे 1.5 साल की मेहनत है ना। तो यहाँ पे कार्ट लगाते हुए आपको कितना टाइम हो गया? 1 मंथ हो गया मैम। 1 महीना हो गया। आप प्लानिंग कितने टाइम से कर रहे थे कि मेरे को लगाना है, आइडिया कब आया? 1.5 साल मैम। और ना मुझे, मैं यहाँ पे कार्ड बनवाने की सोच रही थी पर मुझे यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आया कि मैं कहाँ से बनाऊँ, तो फेसबुक पे एक देखी हमारे नॉन है दिल्ली रहते हैं, उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे है कि वहाँ से आप पता करके आओ कि कार्ड का है, तो उन्होंने पता किया, फिर हम दिल्ली से ही लेके आए थे।
बनवा करके। कार्ड भी दिल्ली से आया? जी 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 जी, कार्ड भी दिल्ली से आया, क्योंकि मुझे यहाँ पता नहीं था कि कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता। फिर मुझे सही बताऊँ, मुझे इस चीज की नॉलेज भी नहीं थी कि कहाँ पर क्या सामान मिलेगा। पर अब तो यूं है, अगले सीजन तक ना मतलब बहुत अच्छा काम चल पड़ेगा मेरा, मुझे लगता है। जैसे अभी तो शेक्स है, सर्दियों में लोगों का रिस्पॉन्स सही आ रहा है? हाँ बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। और बल्कि खाना खाने के बाद मोहितो वगैरह तो लोग मतलब इतना पीने के लिए आते हैं ना। और वही मैं बता रही हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी मतलब थोड़ा ठंड में भी और लोग पियेंगे कि नहीं पियेंगे, पर रिस्पॉन्स अच्छा। मतलब हम खुद ऐसी फीमेल्स को सैल्यूट करते हैं जो एक कदम आगे बढ़ा के अपने घर वालों को पालने पोसने के लिए, अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाती है। और वैसे तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले लोग यहाँ पे बहुत होंगे, पर ना पीछे से शायद कोई सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा ही होता ना मैम? बिल्कुल मैम। और मैं सही बताऊं, अगर कि ना मेरे पास एक रुपया भी नहीं था जब मैंने ये सारा प्रोसेस शुरू करने की सोची, पर मतलब मेरे जो साथ के बंदे हैं ना, उन्होंने इतना सपोर्ट किया ना, मुझे पैसे की कमी नहीं होने दी मैम, कि हाँ ठीक है तू कर, हम तेरे साथ हैं। पेरेंट्स मतलब फैमिली को छोड़ करके, जो बाहर के ऑफिशियल बंदे हैं उन्होंने, फैमिली तो आप सपोर्ट कर रही है, पर ऑफिशियल बंदों ने पहले ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि आप करो तो सही, हम साथ देंगे आपका। तो सबसे बड़ा सपोर्ट मैम वो होता है। अगर आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैंने ये कुछ छोटी सी एक खोली है, तो उन लोगों का भी बड़ा सपोर्ट है। तो आप एक बार एड्रेस बता दीजिए कोई आना चाहे तो। मैम एड्रेस ये है गुरुद्वारा रोड और कैंटा बिल के बिल्कुल सामने, अपनी छोटी सी कार्ट लगती है द फर्स्ट सीट के नाम से। जी मैम, एड्रेस मैम ने बता दिया है, कहानी मैंने आपको बता दी है, और बहुत इंपावरमेंट की कहानी है। आप सभी को एक एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, और इस वीडियो को शेयर करके भी आप मैम को सपोर्ट कर सकते हो। तो फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।